दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और क्लिक करें इस बेल आइकन पे भी ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करें। एक बार की बात है जब नारद मुनि धरती लोक से स्वर्ग लोक की ओर जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्होंने देखा कि दो मनुष्य आपस में लड़ रहे हैं। तो नारद मुनि उन दोनों के पास गए और उनसे पूछा कि आप दोनों किस बात पर लड़ रहे हैं। उनमें से एक बोला, हे मुनिवर, आप तो यह जानते होंगे कि कौन इस संसार में सबसे बड़ा है और सबसे शक्तिशाली है। जैसे कि आप भी भगवान विष्णु के परम भक्त हैं, तो आप ये जानते ही होंगे कि सबसे पूजनीय और सबसे बड़े भगवान विष्णु ही हैं। तो दूसरी ओर दूसरे मनुष्य ने बोला, हे नारद मुनि, इसकी बातों पे मत आइए, सबसे शक्तिशाली तो भगवान शिव ही हैं, उनकी शक्ति अपार है। उन दोनों के बीच में विवाद रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और वह दोनों जने बड़ी उम्मीद से नारद मुनि की ओर देखने लगे, पर इसका जवाब नारद मुनि के पास भी नहीं था, तो वह कुछ ना बोलते हुए वहां से चले गए। पर नारद मुनि के मन में एक विचित्र सा कौतूहल बना रहा। वैसे तो नारद मुनि जी के साथ विचित्र घटनाएं घटती रहती हैं। उन्हें यह जानने की धुन सवार हो गई कि ब्रह्मांड में सबसे बड़ा और महान कौन है। नारद जी ने अपनी जिज्ञासा भगवान विष्णु के सामने रख दी। भगवान विष्णु यह सवाल सुनकर मुस्कुराने लगे, फिर बोले, नारद जी, सबसे बड़ी तो पृथ्वी है, क्योंकि उस पर सब टिका है, इसलिए पृथ्वी को सबसे बड़ा कहा जा सकता है। परंतु नारद जी, यहाँ भी एक शंका है। स्वयं नारायण अपने उत्तरों के साथ ही परंतु लगा रहे थे। अब नारद जी का कौतूहल शांत होने की बजाय और बढ़ गया। नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, स्वयं आप ही शंकित हैं, फिर तो विषय गंभीर है, यह कैसी शंका है प्रभु? विष्णु जी बोले, समुद्र ने पृथ्वी को घेर रखा है, इसलिए समुद्र उससे भी बड़ा है। अब नारद जी बोले, प्रभु आप कहते हैं तो मान लेता हूँ कि समुद्र सबसे बड़ा है। यह सुनकर विष्णु जी ने एक बात और छेड़ दी, परंतु नारद जी, समुद्र को तो अगस्त मुनि ने पी लिया था, इसलिए समुद्र से बड़े तो अगस्त मुनि हुए। अब नारद जी के माथे पर बल पड़ गया, वह काफी परेशान हो गए। फिर भी उन्होंने कहा कि प्रभु आप कहते हो तो अगस्त मुनि को ही बड़ा मान लेता हूँ, पर वह तो श्रीहरि हैं, वह कहाँ मानते। श्रीहरि विष्णु मन ही मन मुस्कुराने लगे। और दूसरी तरफ नारद जी अभी इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार ही हुए थे कि विष्णु जी ने नई बात कहकर उनके मन को चंचल कर दिया। श्रीहरि बोले, नारद जी, ये भी तो सोचिए कि वह रहते कहाँ हैं। इस पूरे आकाश मंडल में सुई की नोक बराबर स्थान में जुगनू की तरह ही दिखते हैं, फिर वह कैसे बड़े हो सकते हैं? असल में तो आकाश बड़ा होना चाहिए। नारद जी बोले, हाँ प्रभु, आप सही बता रहे हो, आकाश के सामने अगस्त मुनि का तो अस्तित्व विलीन हो जाता है। आकाश ने ही तो सारी सृष्टि को घेर रखा है, तो आकाश ही सबसे श्रेष्ठ और सबसे बड़ा है। भगवान विष्णु ने नारद जी को थोड़ा और भ्रमित करने की सोची। फिर श्रीहरि बोल पड़े, पर नारद जी, आप एक बात भूल रहे हैं, वामन अवतार ने तो इस आकाश को एक पग में ही नाप लिया था, फिर आकाश से श्रेष्ठ तो वामन हुए। नारद जी ने परेशान होकर श्रीहरि के चरण पकड़ लिए और बोले, हे प्रभु, आप ही तो वामन अवतार थे, फिर आपने 16 कलाएं भी धारण की हैं और आपने वामन से भी बड़ा विश्व रूप धारण किया था, इसलिए यह तो निश्चित हो गया है कि सबसे बड़े तो आप ही हैं। फिर भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, मैं विराट रूप धारण करने के उपरांत भी अपने भक्तों के छोटे से हृदय में विराजमान रहता हूँ और वहीं निवास करता हूँ जहाँ मुझे स्थान मिल जाए, तो फिर वह स्थान सबसे बड़ा हुआ कि नहीं? इसलिए सर्वोपरि और सबसे महान मेरे वह भक्त हैं जो सच्चे मन से मेरी उपासना करते हैं, मुझे अपने हृदय में धारण कर लेते हैं, तो उनसे विशाल और महान कौन हो सकता है? तुम भी मेरे सच्चे भक्त हो, इसलिए वास्तव में तुम सबसे महान और बड़े हो। श्रीहरि की बातें सुनकर नारद जी के नेत्र भर आए। उन्होंने संसार को नचाने वाले भगवान के हृदय की विशालता देखकर आनंद भी हुआ और अपनी बुद्धि को लेकर खेद भी हुआ। नारद जी ने कहा, प्रभु, संसार को धारण करने वाले आप स्वयं खुद को अपने भक्तों से छोटा मानते हैं, फिर भक्त क्यों छोटे बड़े का भेद करते हैं? मुझे अपनी अज्ञानता पर दुख है, मैं आगे से कभी छोटे बड़े के फेर में नहीं पढ़ूंगा, हे प्रभु, कृपया मुझे क्षमा कर दें। तो दोस्तों, आज हमने आपको यह कहानी क्यों सुनाई, यह बताऊंगा नहीं, क्योंकि कई बार कथा के पीछे का रहस्य श्रोता के सोचने के लिए छोड़ना ही उचित होता है, क्योंकि श्रोता या पाठक की बुद्धि
लेखक और कथाकार से बड़ी होती है। वह अक्सर उचित अर्थ निकाल लेता है और वही श्रेष्ठ है। इसीलिए तो कहते हैं भक्त के वश में है भगवान। भक्त अपनी निष्काम भक्ति से भगवान को वश में कर लेता है। तेरा तुझको सौंपते हैं क्या लागे मेरा। अगर आप अपने मन में इस भाव को पैदा कर लें तो स्वयं श्री हरि विष्णु ही आपके हृदय में रहने के लिए ललाहित रहेंगे। दोस्तों, अक्सर हम अपने मन में एक गलत धारणा रखते हैं कि कौन से भगवान बड़े हैं। मनुष्य की भक्ति में फर्क आ सकता है, परंतु ईश्वर के लिए सभी मनुष्य एक समान हैं। अगर ये कथा सुनने के बावजूद भी आपके मन में यह सवाल उठता है कि कौन से भगवान बड़े हैं, तो आप भी उन कुछ मूर्खों की श्रेणी में आते हैं जो मन में भेदभाव की भावना रखते हैं। फिर ऐसे मनुष्य भले ही कितनी पूजा पाठ कर लें, परंतु प्रभु की कृपा के पात्र नहीं बन पाते। क्योंकि जिस प्रकार प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, उसी प्रकार किसी को जाति, समाज या धर्म के रूप में बांटना अधर्म कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही साथ सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, ताकि आप हमारे साथ बने रहें अगली एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।